हिंदी सिनेमा में दिलीप कुमार को अभिनय के सम्राट के अलावा ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जाना जाता है। सिनेमा पर्दे पर भले ही अदाकार दोस्ती का किरदार निभाकर लोगों के जहन में अपनी जगह बना लेते हैं, पर निजी जिंदगी में स्टारडम की चकाचौंध में इन कलाकारों में अक्सर खटपट होती रहती है। ऐसे बहुत ही कम कलाकार हैं जिनकी दोस्ती सिनेमा पर्दे के साथ साथ रियल जिंदगी में भी कायम है। लेकिन दिलीप कुमार और गरम धर्म यानी कि धर्मेंद्र की दोस्ती की बात जब भी की जाती है तो इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। कहते हैं दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन रहा है। यहाँ तक कि अपने कई इंटरव्यूज में धर्मेंद्र ने दिलीप साहब को बड़े भाई की संज्ञा दी है। दरअसल धर्मेंद्र के मन में जब हीरो बनने की तमन्ना पैदा हुई उस वक्त उन्होंने दिलीप साहब की ही फिल्में देखकर अभिनय सीखा और हीरो बनने का निश्चय भी दिलीप साहब की ही फिल्म को देखकर किया कि वो भी अब हीरोइनों के साथ डांस करेंगे। फिल्मों में कामयाबी मिलने के बाद धर्मेंद्र और दिलीप कुमार एक अच्छे दोस्त हो गए। इस दोस्ती का आलम यह था कि धर्म जी दिलीप साहब के यहाँ बगैर किसी सूचना के ही पहुंच जाया करते थे और उनके घर पर बिरयानी वगैरह खाकर खूब मस्ती किया करते थे और दोनों एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। दिलीप कुमार ने भी कई मौके पर धर्मेंद्र का जिक्र करते हुए उनकी तारीफ ही की है। एक बार तो एक इंटरव्यू में दिलीप कुमार ने मजाकिया लहजे में ही ये कह दिया था कि उन्हें धर्मेंद्र से जलन होने लगी है। फिर लोगों ने पूछा आखिर क्यों, तब दिलीप साहब ने कहा कि मैं अल्लाह से शिकायत करूंगा कि तूने मुझे धर्मेंद्र जैसा खूबसूरत क्यों नहीं बनाया, उसके जैसा ही मैन वाली डील डोल हमें क्यों नहीं दी। दिलीप साहब की इस बात पर बाद में सब हंसने लगे। आपको बता दें कि दोनों ही कलाकारों ने हिंदी सिनेमा को काफी उम्दा फिल्में दी हैं। दिलीप साहब भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे बीच रहेंगी। दिलीप साहब ने भी अपने करियर की शुरुआत अचानक से ही की थी। हीरो बनने का उनका कोई इरादा नहीं था, वो तो देविका रानी थी जिनकी जिद के आगे दिलीप कुमार बेबस थे और मजबूरन उन्हें हीरो बनना पड़ा। बाद में दिलीप कुमार जब कामयाब हुए तो वो ट्रेजेडी किंग बन गए। एक बार अपने शूटिंग के अनुभव को याद करते हुए दिलीप साहब ने कहा था कि उन्हें निर्देशक ने दौड़कर आने के बाद लड़की को पकड़ने के लिए कहा था जिसमें कई टेक्स हुए थे। आप भी सुनिए दिलीप साहब का यह इंटरव्यू कि आखिर उनकी पहली फिल्म में शूटिंग के पहले दिन का उनका अनुभव कैसा था। अच्छा दिलीप सर, आपकी फर्स्ट फिल्म के बारे में कुछ रोशनी डालिए, फ्लैशबैक, हाउ वाज इट लाइक, कैसा था जब फर्स्ट फिल्म फर्स्ट डे? मुझे आई वाज एन एथलीट, यू नो, यू प्ले अ लॉट ऑफ सॉकर एंड आई वाज एन आउटसाइड राइट इन द हॉकी टीम एंड अ गुड बॉलर इन क्रिकेट, सॉर्ट ऑफ ए बैटिंग सो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि, तो मैं बड़ा घबरा रहा था कि अब पहले दिन कैमरे के सामने, तो उन्होंने कहा कि आप भागिए यहाँ से वहाँ तक, दौड़ के जाइए। तो मैंने कहा जी किस लिए भाग रहे? तो उन्होंने कहा कि हीरोइन जो है आपको पता चला है कि शी इज़ गॉन एंड शी मे पॉसिबली कमिट सुसाइड, तो तुम दौड़ो, दौड़ के उसको बचाओ, तेज दौड़ना होगा। तो मैंने कहाँ से कहाँ, वहाँ से शुरू करो, वहाँ से वहाँ तक तुमको एंड करना होगा। तो मैं दौड़ा एकदम से, आई डिड ए रियल गुड 100 meter डैश, सी। तो वैसे आके निकल गया उनके सामने से, उन्होंने कहा कट 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 कट, क्या हुआ? मैंने तो कहने लगे भाई तुम तो बहुत फास्ट भागे हो, तुम आहिस्ता भागो, यू आर टू फास्ट, ये कैमरा फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू। अरे तो मैं फिर ज़रा स्लोअर भागा, तो कहते कि नहीं अभी भी फास्ट है। तो आई थॉट आई एम टू गुड फॉर द कैमरा, दे कांट कैच मी। तो मैं दिल में सोच रहा हूँ कि क्या हीरोइन को बचाने के सीन में आहिस्ता आहिस्ता भागेगा आदमी, क्या करेगा? बट दे वॉन्टेड मी टू रन ए लिटल स्लोली, सो आई रैन ए लिटल स्लोली एंड आई केम विद दिस फीलिंग दैट आई एंडेड द डे विद दिस फीलिंग दैट ओ आई एम डैम गुड। एंड एट द फैग एंड ऑफ द रन द नेक्स्ट डे अगेन आई हैड टू रन फ्रॉम हियर और देयर and at the fag end of it I had to come and catch the heroine, pakad lena usko. To maine daudte daudte uske paas aaun aur yahan tak mere haath jaye lekin usko badan ko baazuon ko pakad lene wahan jhijhak aa jati.
फिर दौड़ू 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 के अपने बराबर से पकड़ो, बन के जी अच्छा अच्छा पकड़ता हूँ, फिर दौड़ता 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 फिर उसको पकड़ो, यहीं हाथ रह जाए, हाथ यहीं रह जाए. दिस हैपेंड 3 or 4 times एंड आई फेल्ट वेरी ह्यूमिलिएटेड कि लड़की ही तो है इसको पकड़ना और वो भी मेरा मजाक. अरे क्या है, तुम क्या कर रहे हो, तुमसे पकड़ा नहीं जाता, उसे पकड़ लो उसको बस. फिर मैं गया दौड़ते दौड़ते आके मैंने उसको पकड़ लिया और कोई डायलॉग बोलना था वो भी बोल दिया और जब उसको छोड़ा तो बोलती ओ ओ ओ इतना जोर से पकड़ लिया आपने. तो मैंने कहा आपसे भी तो कह रहे थे बचाना है. बट व्हेन आई केम बैक आई फॉर द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड ये तो बड़ा मुश्किल काम है. इन सितारों के बारे में बातें करने के लिए विषय तो बहुत से हैं जिसके लिए समय भी कम पड़ जाएगा. हिंदी सिनेमा की पुरानी यादों के ऐसे ही किस्सों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए.